जम्मू से इस समय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर धारा 370 को हटाए हुए आज जो है वो 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच जम्मू में आप देख सकते हैं कि पीडीपी द्वारा जो है वो एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जा रहा है और इस 5 अगस्त के दिन को जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक डे के रूप में यहाँ पर जो है वो मनाया जा रहा है। तमाम पीडीपी के जितने भी आप देख सकते हैं लोग हैं, उन्होंने जो है वो माथे पर यहाँ पर काली पट्टियां बांधी हुई और वहीं लगातार जो है वो पुलिस और आईटीबीपी के जवान इस समय जो है वो यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पांच अगस्त 2019 का एक ऐसा दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर को स्टेट से जूती बना दिया था और इसी के साथ साथ 370-35 ओक को जो है यहाँ पर खत्म किया गया था, लेकिन इसी के चलते आज 5 साल जो है वो पूरे हुए हैं और वहीं पीडीपी की बात करें तो वो इस समय जो है वो सड़कों पर। क्या कहना चाहेंगे विमल जी, जिस तरह से आए 5 साल पूरे हुए और पीडीपी यहाँ पर जो है इस दिन को ब्लैक डे बनाया? सर आज हम जो है जम्मू कश्मीर को यतीम किया गया 5 अगस्त 2019 को, 370 की को खत्म कर दिया गया, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों का अस्तित्व को भी खत्म करने की कोशिश की गई, पर आज हम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के सिपाही यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है हमने, हम इस दिन को आज 5 साल की इसकी कोई एनिवर्सरी नहीं मना रहे हैं, हमारे लिए ये शोक का दिन है। जिस दिन हमारे लोगों का हक खत्म किया गया, हम उस दिन को आज फिर से लोगों के दिमाग में ये चीज डालना चाहते हैं कि हम अभी भूले नहीं है, 370 जो है वो वापस ला के रहेंगे। कई सारे लोग इस चीज इस दिन जो है वो जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन पीडीपी है जश्न वो मना रहे हैं जिन्होंने अंदर पैसे किए, जिन्होंने यहाँ पे बाहर के ठेकेदार लाके तो काम लगाए, यहाँ के लोगों को नौकरियों से बहाल किया, वो लोग खुशियां मना रहे हैं। हम थोड़ी खुशी मनाएंगे, हमारा क्या हुआ? हमारा कुछ नहीं, आम आदमी का कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बाहर से आकर के यहाँ पे होटल बन गए, बाहर से आके यहाँ पे मॉल बन गए, मॉल वालों को परमिशन दे देते हैं, जब एक गरीब आदमी रेडी लगाता है तो उसकी रेडी उल्टी कर देते हैं। ये बीजेपी का राज है और ये हमें बताएंगे कि हम क्या 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 बीजेपी का राज होगा? जम्मू की गांधीनगर से इस समय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को जो है वो जब धारा 370 व 35 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और उसी के चलते आज 5 साल पूरे होने पर जो है वो जम्मू में इस समय जो है वो पीडीपी द्वारा जोरदार हंगामा। लगातार इस समय जो है वो पुलिस के जवान और पीडीपी के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर आमने सामने होते हुए, हालांकि कई सारे लोग जो है वो इस 5 अगस्त के दिन को जो है वो काफी खुशी के साथ मना रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जरूर बताएं कि आखिरकार आज के इस दिन को जो है वो आप किस तरह से मना रहे हैं। जिस तरह से पीडीपी जो है वो इस दिन को ब्लैक डे के रूप में यहाँ पर मना रही है, लेकिन इसी के बीच जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के जो है वो काफी ज्यादा हैवी अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं ताकि कोई भी किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर खराब ना हो या फिर कोई भी किस तरह का कोई हंगामा जो है वो देखने को ना मिले। देखिए बीजेपी का तो काम है, जब जम्मू हेडक्वार्टर में ब्लैक डे बनवा रहे हैं, जो 5 अगस्त 2019 को इस मौजूदा सरकार ने यहाँ गैर कानूनी गैर आईनी एब्रोगेशन 370-35 का किया, जो महाराजा के टाइम से चल रहा था, लेकिन उससे लोगों को समझ बात दिखाए कि यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, उसके बरक्स यहाँ कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी हुई, क्राइम बढ़ा और जितने भी ठेकेदारी सिस्टम था वो यहाँ के बाहर से बाहर के स्टेटों को लोगों को दिया और यहाँ के लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, किसके पास जाना है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, सेक्रेटरी लेवल की गवर्नमेंट चल रही है, लोग इतने परेशान हैं कि अपनी डिमांड लेके अपनी फरियाद लेके किसके पास जाएं और किसको ये चीजें बताएं, और आज उसके बाद में हमने यहाँ प्रोटेस्ट जो धरना दिया है ब्लैक डे जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था उसकी अक्ष में सारी पार्टी के जितने भी कारकुन हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जम्मू में आज 5 अगस्त को ब्लैक डे यहाँ पर मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय लगातार आईटीबीपी की जवानों की बात करें या फिर हैवी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किए गए हैं और लगातार इन पीडीपी के लोगों को इस समय जो है वो रोकने पर लगातार इस समय जो है वो इनमें इस समय गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है।
खुशी बीजेपी मना रही है, हमारा गला काटने की खुशी मना रही है, हमारी तबाही की खुशी मना रही है, हमें बंधुआ मजदूर बनाया गया उसकी खुशी मना रही है, जम्मू में लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म है उसकी खुशी मना रही है, ना यहाँ म्युनिसिपैलिटी है ना पंचायत आई उसकी खुशी मना रही है। मुझे दुख तब लगता है जब महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के पास जाके खुशी मनाते हैं। उस महाराजा की रियासत को दो हिस्सों में बांटा, स्टेट को यूटी में तब्दील किया, टुकड़े कर दिए, स्टेट सब्जेक्ट ला महाराजा साहब ने दिया वो निकाला 370 हमारा लेके, और किन की मूर्ति के नीचे जिन्होंने ये सब कुछ दिया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गृहमान में जाकर देखे, अगर वाकई सब कुछ ठीक है तो जम्मू में म्युनिसिपल चुनाव क्यों नहीं, पंचायत चुनाव क्यों नहीं, असेंबली चुनाव क्यों नहीं, आइए ना चुनाव लड़ने के लिए, लोग इनको बताएंगे इनकी जगह। तो लगातार पीडीपी जो है वो इस समय काफी ज्यादा जम्मू में यहाँ पर गुस्से में नजर आ रही है, लेकिन आप लोग भी जरूर अपने अपने राय रखिएगा कि इस 5 अगस्त के दिन को आप किस तरह से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि कई लोग जो है वो इस दिन को जो है वो काफी जश्न के साथ मना रहे, तो कहीं पर इस दिन को जो है वो ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर दें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।